हेलो एवरीवन, मैं विशाल सारणा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपना कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट होता है, इसमें हम लोगों ने किसी भी टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसके ऊपर का एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वो डिस्कशन होने के बाद जो लॉजिक आपको बताया गया था, जो स्टेप्स आपको सिखाई गई थी, अकॉर्डिंगली आपने उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा। आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा उससे और आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था, टू डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय टू डिजिट नंबर, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्री डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, चलो आइए देखिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, थ्री डिजिट नंबर इंटू टू डिजिट नंबर का कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अपना क्वेश्चन है ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी। जैसा हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, इन द सेम वे हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं किस तरीके से अपने स्टेप्स फॉलो करना है, किस तरीके से स्टेप्स फॉलो करना है अकॉर्डिंगली, उसके बाद में हम लोग उसका फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी ई, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी और ई। नाउ अब आप बताइए मेरे को, सबसे पहला काम आप यहाँ पर क्या करते हो? तो अपना जो यूनिट डिजिट होता है ई, आप मैनुअल मेथड के हिसाब से, आपके ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ई से सी को मल्टीप्लाई करोगे, देन ई से बी को मल्टीप्लाई करोगे, देन ई से ए को मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका फर्स्ट लाइन आता है। देन सेकंड रो में, उससे नीचे वाली लाइन में हम लोग डी से सी को मल्टीप्लाई करते हैं, डी से बी को करते हैं, देन डी से ए को करते हैं, एंड देन फाइनल उसका सम करने के बाद अपना आंसर आता है। यस, ठीक। आइए बच्चों, कैलकुलेशन वही सारे करना है, मल्टीप्लीकेशन वही करना है, पर जो दो लाइन का राइटिंग कंसेप्ट आपका होता है वो अपने को नहीं करना है, हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, इन द सेम वे आपका सबसे पहला काम होगा लास्ट टू डिजिट्स, दोनों नंबर में यूनिट प्लेस पर जो नंबर्स आए हुए हैं, लास्ट टू डिजिट्स आए हुए हैं, आप सबसे पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर ए बी सी इंटू डी ई में सबसे लास्ट यूनिट प्लेस पर दो नंबर कौन से आते हैं? तो आता है सी और ई। तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसका? सी और ई का। ये रहेगा आपका स्टेप नंबर वन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लास्ट टू डिजिट्स, दैट इज यूनिट डिजिट। ये रहेगा आपका स्टेप नंबर वन। क्लियर? सेम वे जैसा प्रीवियस सेशन में था, सेम यहाँ पर भी स्टेप नंबर वही रहेगा। अगेन स्टेप नंबर टू की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पर भी हम लोगों ने स्टेप नंबर टू में लास्ट फोर, यानी मैंने वो चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बोला था, तो यहां पर भी देखो क्या होने वाला है। अब देखो, आपने थोड़ा ध्यान से देखना, जो आप लोग करते हो वही करवाओ, ध्यान से देखना। आप सबसे पहला काम क्या करते हो? ई से सी को मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में ई से सी को मल्टीप्लाई किया जाता है। यस नो, मैं यहां क्या कर रहा हूं? ई से बी को मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं, ई सी होने के बाद मैं ई से बी को तो कर रहा हूं, उसके साथ साथ में डी से सी को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मैंने जो सेकंड डिजिट डी था उससे भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। तो आपका स्टेप नंबर टू बोलता है लास्ट फोर डिजिट्स, ऊपर ए बी सी में से बी सी, बी सी डी ई, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, आपका स्टेप नंबर टू रहेगा। यस, स्टेप नंबर टू समझ में आया आपको? यस, आइए आगे स्टेप नंबर थ्री। अब देखो, नाउ आपने स्टेप नंबर वन में E और C को मल्टीप्लाई कर लिया था, स्टेप नंबर टू में E और B को मल्टीप्लाई कर लिया, स्टेप नंबर थ्री में अब क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आपको E और A को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा स्टेप नंबर वन में E C हो चुका था, देन E B हो चुका, अब बचा आपका E और A, जो यहाँ पर करना है एक। एंड एट द सेम टाइम सेकेंड स्टेप में सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना हम लोगों ने शुरू किया था, वहां पर आपने D से C को मल्टीप्लाई किया था, अब आप D से C के बाद D से B को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो थर्ड स्टेप में आपको करना है E into A and B और D, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। अब बच्चों, इसके बाद मेरे को बताओ अब बचा कौन आपका? तो E C स्टेप नंबर वन, E B स्टेप नंबर टू में आ गया, E C स्टेप नंबर थ्री, E A स्टेप नंबर थ्री में आ गया, E C E B E A, E का तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। स्टेप नंबर टू में आपने स्टार्ट किया था डी सी, स्टेप नंबर थ्री में किया डी बी, अब बचा आपका सिर्फ डी और ए। तो हम लोग लास्ट स्टेप में करने वाले मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी और ए। तो इन दिस केस, अगर किसी भी थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है,
तो दिखने में टोटल स्टेप्स है 4, बट बच्चे बहुत आसान है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो में जो 2x2 का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, अगर उसका प्रैक्टिस किया हुआ है, तो यहाँ पर एक स्टेप सिर्फ आपके बढ़ गए, उससे और थोड़ा सा आगे अपने को आना है। यस, क्लियर है चारों स्टेप्स आप लोगों को? है सिंपल कंसेप्ट? तो आइए चलो इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 आपका। ये चारों पैटर्न मैंने यहाँ ले लिया अपने पास में, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 था 123 × 45। नाउ अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपके पास में सब लिख कर दिया, आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। ये आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके दिख रहा होगा, ये चारों भी सर्कल्स यहाँ पर आए हुए हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग इसको फॉलो करते हैं। नाउ स्टेप नंबर 1 बोलता है लास्ट 2 डिजिट्स, दैट इज ई और सी का मल्टीप्लीकेशन अपने करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अपने सी और ई को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 कितना होता है 15। सो यूनिट प्लेस पर आंसर में 5 × 3 15 का आएगा आपका 5, कैरी बचा मेरे पास 1। क्लियर? यस। स्टेप नंबर 2 बोलता है लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4। तो यहाँ पर लास्ट 4 में कौन आएगा, 5 × 2 10, 5 × 2 10, और स्टेप 1 का कैरी 1 आया था आपके पास, तो 5 × 2 10 + 1 11 एंड 4 × 3 12। सो 11 प्लस 12 इट बिकम्स 23, और 23 का यूनिट प्लेस पर आएगा 3। क्लियर? अब कैरी कितना बचा अपने पास 2। स्टेप नंबर 3 ई ए, दैट इज 5 × 1 5, 5 × 1 5 एंड 4 × 2 8, कितना आएगा 5 × 1 5, 4 × 2 8, तो 5 + 8 बनता है 13, और कैरी कितना आया था 2, 13 + 2 15, 15 का 5। अगेन कैरी कितना बचा 1, एंड लास्ट स्टेप 4 × 1 4 प्लस कैरी 1, ऐसा हो जाएगा 5। तो आपका आंसर बनेगा 5535। यस, सिंपल, समझ में आपको? वन मोर क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या करना है। नाउ क्वेश्चन इज 253 मल्टीप्लाइड बाय 46। तो सबसे पहले बच्चों आप करोगे लास्ट 2 डिजिट्स, दैट इज 6 × 3 6 × 3, सो 6 × 3 क्या होता है 18, तो 18 का क्या आएगा वहां पर 8, आपने 8 लिख दिया, एक कैरी आएगा 1। स्टेप नंबर 2 लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट चारों को देख लो, 6 × 5 30, 4 × 3 12, 30 + 12 42, और कैरी का बनाया था ऐसा होगा 43 का 3, कैरी बचा मेरे पास 4। समझ में आ रहा है ना? यस। स्टेप नंबर 3 6 × 2, ये थर्ड स्टेप यहां लिखा हुआ, इसको फॉलो करना है आपको। 6 × 2 कितना आता है 12, 6 × 2 12, प्लस 5 × 4 20, 12 + 20 होता है 32, और कैरी का 3 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक बार चेक करो, क्या हुआ था 6 × 2 12, 5 × 4 20, 12 + 20 12 + 20 32, 32 प्लस कैरी आया था 4, 32 + 4 था 36, 36 का 6 कैरी कितना आएगा 3, एंड लास्ट 4 × 2 8, 8 + 3 11, तो ये बन गया आपका आंसर। यस, आइए वन मोर क्वेश्चन। 345 मल्टीप्लाइड बाय 27 दिया हुआ, स्टेप नंबर 1 क्या आएगा आपका, तो 7 × 5 35 का 5 स्टेप नंबर 1, क्लियर, कैरी 3। स्टेप 2 7 × 4 = 28 प्लस कैरी का 3 हो जाएगा 31, 7 × 4 = 28 प्लस 3 31 एंड 5 × 2 10, 10 + 31 इट बिकम्स 41, 41 का 1 बचा कितना 4। क्लियर? स्टेप नंबर 3 कैरी कितना आया 4, स्टेप नंबर 3 7 × 3 = 21, उसके बाद देखो 4 × 2 करना पड़ेगा, 21 + 8 = 29 प्लस 4 33 का 3, अगेन कैरी बचा 3, तो लास्ट स्टेप में क्या आएगा आपका 3 × 2 6 प्लस 3 9, तो आंसर आएगा 9315। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 648 मल्टीप्लाइड बाय 37, ध्यान से ना, थोड़ा सा स्लो करके वापस से सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। बच्चों सबसे पहले अपन कौन से स्टेप करेंगे, ये सबसे पहला वाला केस आपका है, ऊपर दिया हुआ है आपको लास्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये लास्ट 2 यानी 7 × 8, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 × 8 को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 8 = 56, 56 का 6 वहां पर आपके पास में आ गया, आपके पास कैरी कितना बचा 5। स्टेप नंबर 2 लास्ट 4, स्टेप नंबर 2 लास्ट 4 इसके हिसाब से करना है, तो आइए लास्ट 4 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 प्लस 5 आया था ऐसा होगा 33 एंड 8 × 3 = 24,
33 प्लस 24 57, ये बन गया 7, कैरी आएगा अगेन आपका 5। अब जो स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 3 में अपने को किसको मल्टीप्लाई करना है, इनको करना है, ई ए और बी डी को। तो ई ए का मतलब कौन, 6 और 7, तो 6 × 7 = 42 प्लस कैरी 5 आया था, ऐसे होगा 47 एंड 4 × 3 = 12, तो 47 प्लस 12 59 का 9 कैरी कितना है अगेन 5। एंड लास्ट स्टेप बोलता है 6 × 3 = 18 प्लस 5 23, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल, समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 567 × 83 दिया हुआ है। अगेन इन द सेम वे आपका सबसे पहला काम आएगा 7 × 3 = 21 का 1 लिख दिया आपने, कैरी कितना बचा आपके पास 2। स्टेप नंबर 2, लास्ट के 4 चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 3 = 18 कैरी के 2 ऐड कर लो होगा 20 और 7 × 8 = 56, 20 + 56 = 76 आपके पास बचा कितना, अब 7 कैरी आएगा 7। थर्ड स्टेप, ऊपर का फर्स्ट नीचे का लास्ट, 5 × 3 = 15, 15 + 7 = 22 हो गया एंड 6 × 8 = 48, 48 + 22 = 70, 0 लगा दो बचा 7 आपके पास। लास्ट स्टेप 8 × 5 = 40 + 7 आपका बन जाएगा 47, तो आंसर आएगा 47,061। अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग करना है, इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड बच्चों यकीन मानिए, अगर आपने इस टाइप से कैलकुलेशन करके इसका थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो अच्छा खासा टाइम आपका एग्जाम में इसके थ्रू हम लोग वहां पर बचा सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट आपको? यस, चलो ठीक है, इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको अच्छा खासा इसका फायदा मिलेगा। इसी तरह के अलग अलग नए नए वीडियोस अगर आपको अगेन देखना है तो, और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, विदाउट फेल आप लोगों ने आपके स्क्रीन पर जो राइट हैंड साइड में बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे, इसके बाद का जो नया वीडियो वहाँ पर अपलोड होगा, जैसा ही वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप उसको वीडियोज को देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करके खुद को डेवलप कर सकते हो। क्लियर? यस, ओके, थैंक यू।